मदीने में इस्लाम। इस्लाम की आवाज़ जिस तरह अरब के दूर दूर इलाकों तक पहुंच रही थी, उसी तरह मदीने में भी पहुंची। मदीने में बहुत पहले से यहूदी कबीले आकर आबाद हो गए थे। उन्होंने मदीने के करीब अपने छोटे छोटे किले बना लिए थे। औस और खजरज दो भाई थे जिनका असल वतन तो यमन था, लेकिन वे किसी ज़माने में यमन से आकर मदीने में आबाद हो गए थे। उन्हीं की नस्ल से वहाँ दो बड़े बड़े ख़ानदान हो गए थे जो औस और खजरज कहलाते थे। यही लोग आगे चलकर मुस्लिम मुहाजिरों की मदद करने की वजह से अंसार कहलाए। इन लोगों ने मदीने के आसपास के इलाकों में अपने छोटे छोटे बहुत से किले बना रखे थे। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, पर यहूदियों से मेल जोल की वजह से रिसालत, वही, आसमानी किताब और आखिरत के अकीदे को जान सुन रखा था। इसलिए मजहब के मामले में ये लोग अक्सर यहूदियों की धौंस खा जाते थे और उनकी बातों को वजन देते थे। इन लोगों ने यहूदी उलेमाओं से यह भी सुन रखा था कि दुनिया में एक पैगंबर आने वाले हैं, जो कोई उनका साथ देगा वही कामयाब होगा, और यह कि इस पैगंबर का साथ देने वाला ही सारी दुनिया पर छा जाएगा। यही जानकारी थी जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इनके मान लेने में कोई परेशानी की वजह नहीं बनी। जिन दिनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी कोशिशें ज़ोर शोर से हो रही थी, अबुल हैशर अनस बिन राउफ मक्का आया। उसके साथ बनी अब्दुल अशहल के भी कुछ नौजवान थे, जिनमें से अयास बिन मुआज भी था। ये लोग कुरैश के पास अपनी कौम खजरज की तरफ से समझौता करने आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमते घामते उनके पास भी पहुँचे और जाकर फरमाया, मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसमें तुम सब की भलाई है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वे बोले, ऐसी क्या चीज़ है? फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हिदायत के लिए भेजा गया हूँ। मैं अल्लाह के बंदों को दावत देता हूँ कि वे अल्लाह की इबादत करें, शिर्क ना करें। फिर उनके सामने इस्लाम के उसूल बयान फरमाए, कुरान मजीद भी पढ़कर सुनाया। अयास बिन मुआज जो अभी नौजवान थे, सुनते ही बोले, ए मेरी कौम, खुदा की कसम, यह तुम्हारे लिए उस मकसद से ज़्यादा बेहतर है जिसके लिए यहाँ आए हो। अनस बिन राउफ ने मुट्ठी भर के कंकरियाँ उठाई और अयास के मुंह पर फेंक मारी और कहा, चुप रह, हम इस काम के लिए तो नहीं आए। अयास वापस जाकर कुछ दिनों के बाद मर गया। मरहम के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात से इस्लाम का बीज बोया गया था, जो मरते वक्त फल फूल ले आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उठकर चले गए। यह वाक्या बुआस की तारीखी लड़ाई से पहले का है। यह लड़ाई औस व खजरज के दरमियान हुई थी। इन्हीं दिनों जमाद अजदी मक्का में आया। यह यमन का रहने वाला था और अरब का मशहूर जादूगर था। जब उससे सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों का असर है, तो उसने कुरैश से कहा कि मैं मोहम्मद का इलाज मंत्र से कर सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मोहम्मद आओ तुम्हें मंत्र सुनाऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मुझसे सुन लो। फिर आपने उसे सुनाया, सब तारीफ़ अल्लाह के वास्ते है, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और हर काम में उसी की मदद चाहते हैं। जिसे खुदा राह दिखाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे खुदा ही राह ने दिखाए उसकी कोई रहबरी नहीं कर सकता। मेरी गवाही यह है कि खुदा के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं भी जाहिर करता हूँ कि मोहम्मद खुदा का बंदा और रसूल है। इसके बाद कहना यह है कि जमाद ने इतना ही सुना था, बोल उठा कि इन्हीं कलमों को फिर सुना दीजिए। दो तीन बार उसने इन्हीं कलमों को सुना और फिर बे इख्तियार बोल उठा, मैंने बहुत से काहिने देखे मगर ऐसा कलाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ये कलमे तो अयह समुंदर जैसे है। मोहम्मद खुदा के लिए अपना हाथ बढ़ाओ कि मैं इस्लाम की बैत कर लूँ। यसरिब की छह पाक रूहें। नबुवत के 11 साल के हज के मौसम का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में मक्का शहर से
कुछ मील दूर उकमा नामी जगह पर लोगों को बातें करते सुना। इस आवाज पर खुदा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास पहुंचा। ये 6 आदमी मदीना से आए थे। उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बड़ाई और उसके जलाल का जिक्र किया, उनकी मोहब्बत को खुदा के साथ गरमाया, बुतों से उनको नफरत दिलाई, नेकी और पाकीज़गी की तालीम देकर गुनाहों और बुराइयों से मना फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत फरमा कर उनके दिलों को रोशन फरमाया। ये लोग अगरचे बुत परस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने शहर में यहूदियों को बार बार यह कहते सुना था कि एक नबी बहुत जल्द आने वाला है। इस तालीम से वे उसी वक्त ईमान ले आए और जब अपने वतन को लौट कर गए तो दीन हक के सच्चे मुबल्लिग बन गए। वे हर एक को यही खुशखबरी सुनाते थे कि वह नबी जिसका तमाम दुनिया को इंतज़ार था आ गया। हमारे कानों ने उस कलाम को सुना, हमारी आँखों ने उसका दीदार किया और उसने हमें उस जिंदा रहने वाले खुदा से मिला दिया है कि दुनिया की ज़िंदगी और मौत अब हमारे सामने कोई कीमत नहीं रखती। उकबा की पहली बैत। इन लोगों के प्रचार का नतीजा यह निकला कि यसरिब यानी मदीने के घर घर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा और अगले साल सन 11 में मदीना के 12 आदमी मक्का में हाजिर हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इन लोगों ने जिन बातों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी वह यह है, हम एक खुदा की इबादत किया करेंगे और किसी को उसके शरीक नहीं बनाएंगे, हम चोरी और जिनाकारी नहीं करेंगे, हम अपनी औलाद लड़कियों को कत्ल नहीं करेंगे, हम किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे न किसी की चुगली करेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर अच्छी बात से क्या करेंगे। चलते वक्त इन लोगों ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि इस्लाम की तालीम के लिए कोई साहब उनके साथ भेज दिए जाए। चुनाचे हज़रत मुसअब बिन उमेर रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीर घराने के लाडले बेटे थे। जब घोड़ों पर सवार होकर निकलते तो आगे पीछे गुलाम चला करते थे। बदन पर 200 रुपये से कम की पोशाक कभी नहीं पहनते, पर जब इस्लाम कबूल किया तो इन चीज़ों से महरूमी उन्होंने पसंद कर ली। जिन दिनों यह मदीना से दीन की तबलीग कर रहे थे उन दिनों उनके कंधे पर सिर्फ कम्बल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था। हज़रत मुसअब बिन उमेर रज़ी अल्लाहु अन्हु के खलूस और मेहनत का नतीजा यह निकला कि कुछ ही दिनों में पूरे मदीने में इस्लाम की चर्चा आम हो गई। उकबा की दूसरी बयात। हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु की तालीम से इस्लाम की चर्चा मदीने के तमाम कबीलों में फैल गई और उसका नतीजा यह हुआ कि अगले साल 73 मर्द 2 औरतें मदीने के काफिले में मिलकर मक्का आए। उनको मदीने के मुसलमानों ने इसलिए भेजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर में आने की दावत दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूरी हासिल करे। सच्चे ईमान वालों का यह गिरोह उसी मुबारक जगह पर जहां 2 साल पहले इस शहर यसरिब के मुश्ताक हाजिर हुआ करते थे, यानी मदीने के मुश्ताक हाजिर हुआ करते थे, रात के अंधेरे में पहुंच गया और अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास को लिए वहां जा पहुंचा। चचा अब्बास ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त एक बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा, लोगों, तुम्हें मालूम है कि मक्का के कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन है, अगर तुम इनसे कोई अहद व करार करने लगो तो पहले समझ लेना कि यह नाजुक और मुश्किल काम है। मोहम्मद से अहद व पैगाम करना लाल और काली लड़ाइयों यानी बड़ी भयानक लड़ाइयों को दावत देना है। जो कुछ करो सोच समझ कर करो, वरना बेहतर है कि कुछ भी न करो। इन सच्चे ईमान वालों ने अब्बास को कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर कुछ इरशाद फरमाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुदा का कलाम पढ़कर सुनाया, जिससे सुनने से वे ईमान व यकीन के नूर से भर उठे। अब सब लोगों ने अर्ज किया कि खुदा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में चलकर बसे ताकि हमें पूरे का पूरा फैज़ हासिल हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम फरमाया, क्या तुम दीन हक के फैलाने में मेरी पूरी पूरी मदद करोगे, और जब मैं तुम्हारे शहर में जा बसूँ क्या तुम मेरी और मेरे साथियों की हिमायत अपने बाल बच्चों की तरह करोगे। ईमान वालों ने पूछा,
ऐसा करने का हमको मुआवजा क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहिश्त जो निजात और खुदा की खुशी की जगह है। ईमान वालों ने अर्ज किया, ए खुदा के रसूल, यह तो हमारी तसल्ली फरमा दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कभी छोड़ तो नहीं देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। इस आखिरी जुमले का सुनना था कि सच्चाई के शेदाई खुश होकर इस्लाम पर बैत करने लगे। बरा बिन मारूर वह पहले बुजुर्ग है जिन्होंने उस रात सबसे पहले बैत ली थी।